उन्होंने 7 दिन वहां पर गाड़ी को रखा। वो गाड़ी सेफ थी या अनसेफ थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ दोस्तों ओनर के साथ, क्योंकि तो लेकिन जो कस्टमर्स को सर्विस मिल रही है उस सर्विस में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑटोमोटिव में, और आज हमारे साथ है हम सबकी प्यारी बजाज चेतक जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो दोस्तों इस स्कूटर के ओनर के साथ मैंने बात की और उनसे लिया इस स्कूटर का ओनरशिप रिव्यू, और उन्होंने बताया कि ये स्कूटर 2000 किलोमीटर चलने के बाद, ये जो स्कूटर है 2000 किलोमीटर अब चल चुकी है पूरी तरह से, और 2000 किलोमीटर चलने के बाद इस स्कूटर में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको सर्विस कैसी मिल रही है बजाज की तरफ से, और सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो स्कूटर है, ये यहाँ पर 2088 किलोमीटर चल चुकी है पूरी तरह से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मतलब कि 2100 किलोमीटर ये चल चुकी है लगभग, और 2000 के क्रॉस हो चुकी है। तो इसकी फर्स्ट सर्विसिंग जो है दोस्तों वो भी हो चुकी है, और उस सर्विसिंग का ओनर के साथ क्या रिव्यू रहा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो फर्स्ट सर्विसिंग जो थी दोस्तों वो टोटली फ्री थी, और इसीलिए उन सर्विस सेंटर वालों ने कस्टमर के साथ भी फ्री वाली ही एक्सपीरियंस दिया, मतलब कि कस्टमर्स को जो सर्विस मिलनी चाहिए वो सर्विस वहाँ पर उनको नहीं मिली, ये ओनर ने मुझे बताया है। और ये उनके साथ हुआ है पुणे में एक सर्विस सेंटर है, पर उन्होंने अपनी पहली सर्विस के लिए इस स्कूटर को डाला, बाइक या फिर स्कूटर कह लीजिए, कोई बाइक कह सकता है कोई स्कूटर कह सकता है। तो पहली सर्विस पर उन्होंने इस स्कूटर को डाला, और वहाँ पर उनको लगभग 7 से 8 दिन लगे एक सर्विस के लिए, और वो एक स्कूटर की पहली सर्विस थी, और 7 से 8 दिन उनको लगे, और एकदम उनके साथ थोड़ा सा अलग ही बर्ताव किया गया है वहाँ पर सर्विस सेंटर की तरफ से, जो कि इतना अच्छा नहीं रहा कस्टमर के लिए। और 7 दिनों में उन्होंने 7 दिन वहाँ पर गाड़ी को रखा, लेकिन 7 दिन में उन्होंने सिर्फ इतना किया कि इस गाड़ी को ऑयलिंग किया, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट मारा है, जो कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का काम है। सिर्फ उन्होंने ऑयलिंग की और सॉफ्टवेयर अपडेट किया इस स्कूटर के अंदर, बस उन्होंने 7 दिन तक इतनी सी चीज़ के लिए उन्होंने 7 दिन तक ये जो स्कूटर है वो उनके गैरेज में कहिए कहाँ पे कहिए रख दी। तो दोस्तों ये सोचने जैसी चीज़ है, इतनी महंगी स्कूटर लेने के बाद ओनर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ बजाज ने सोचनी चाहिए। और सबसे मेजर बात कहूँ मैं आपसे, तो ओनर के पास दूसरी एक पेट्रोल बाइक थी इसलिए वो 7 दिन रुक पाए, लेकिन किसी के पास सिर्फ ये किसी की फर्स्ट बाइक हो सकती है, फर्स्ट स्कूटर हो सकती है, या फिर किसी के पास ये एक ही होगी, कोई बहुत भरोसा रखे एक ही स्कूटर खरीदेगा, तो उनके लिए ये कुछ भारी जा सकता है, बहुत ज़्यादा भारी जा सकता है। और ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये चीज़ बजाज वालों ने सोचनी चाहिए, और अपने जो उन्होंने सर्विस सेंटर्स लगाए हुए जिन उनको बताना चाहिए कि ओनर के साथ ऐसा ना करें, और जल्दी से जल्दी उनका काम करके उनको उनकी गाड़ी सौंप दी जाए। और एक और बात जो कि इस स्कूटर के ओनर ने मेरे साथ शेयर की है कि ये जो स्कूटर है वो विदाउट अर्थिंग चार्ज नहीं होती, तो ये ठीक है, चलिए मान लेते हैं ठीक है हमारे घर में अर्थिंग होती है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ वहाँ पे पुणे में ही, उन्होंने अपनी जो स्कूटर है वो सर्विस करने के बाद वहाँ पर सर्विस वाले चार्ज भी करके नहीं देते, 7 दिन स्कूटर रखते हैं अपने पास लेकिन चार्ज करके नहीं देते, और अगर आपको चार्ज करनी है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो ये हो गई बात, तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, उसके बाद वो चार्ज करेंगे उसको लगेंगे 4 घंटे वहाँ उसके लिए, तो ओनर को उसके पास 4 घंटे बैठना पड़ेगा और चार्जेस लगेंगे वो अलग, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 7 दिन स्कूटर रखने के बाद उन्होंने स्कूटर चार्ज करके देनी चाहिए, तो ये भी एक माइनस पॉइंट रहा उनके लिए हमारे तरफ से। और इसके बाद वो चार्ज करने गए, उन्होंने स्कूटर ली पुणे के सर्विस सेंटर से, और पास के जो वहाँ पर उनके ऐप होता है बजाज चेतक का, उस ऐप पर जो शो किया है कि पास में ही एक चार्जिंग स्टेशन है, वो वहाँ पे गए, और उस चार्जिंग स्टेशन जो है वो बजाज का नहीं है दोस्तों, बजाज वालों ने एक कंपनी के साथ मीटअप किया है और उस कंपनी का वो चार्जिंग स्टेशन है। और आपको अगर ये बजाज चेतक चार्ज करनी है उस चार्जिंग स्टेशन पे, तो उनका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, और वो ऐप डाउनलोड वो कुछ बात नहीं, हम कर लेंगे ऐप भी डाउनलोड, लेकिन ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको ऐप को अगर यूज़ करना है तो 100 रुपये का उसके अंदर रिचार्ज करना पड़ता है, मतलब कि 100 रुपये का डिपॉजिट उस ऐप के अंदर करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप ये उसकी सर्विस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी ठीक है, वो भी हमने 100 रुपये का ओनर ने, मतलब कि ओनर ने 100 रुपये का उसके अंदर डिपॉजिट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ दोस्तों ओनर के साथ, क्योंकि
उनके जो स्कूटर है ये उसमें चार्जिंग कम थी सर्विस के बाद और उनको घर जाना था। और पुणे में घर आपको पता ही है थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ही रहता है, 10 किलोमीटर या फिर 15-20 किलोमीटर। उनका घर जो है वो 17-18 किलोमीटर आता है और उतनी वो बाइक वो स्कूटर जो है ये वो जा नहीं सकती थी, चार्जिंग बहुत ज़्यादा कम थी इसके अंदर। तो वो करीबी चार्जिंग स्टेशन पे गए और वहाँ पर उन्होंने सब कुछ किया, ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद उसमें डिपॉजिट किया 100 रुपये का। और जब उन्होंने ये जो स्कूटर है वो चार्ज पे लगाई तब वो चार्ज नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों वो जो चार्जिंग स्टेशन था वहाँ पर अर्थिंग नहीं थी और जो स्कूटर का चार्जर था उसमें नोटिफिकेशन आ रही थी, कोई प्रॉब्लम होती है कोई भी प्रॉब्लम तो रेड लाइट लगता है, तो रेड लाइट लग गई और स्कूटर चार्ज नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, स्कूटर चार्ज नहीं हुई और आखिर तक उनकी स्कूटर चार्ज नहीं हुई, कोई फीडबैक नहीं मिला उनके। उसके बाद उनके 100 रुपये टोटली वेस्ट चल गए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी स्टेशन था जो कि बजाज वालों की मीटअप्स ने ही किया हुआ था, लेकिन कुछ काम नहीं आया उनके और उनके 100 रुपये टोटली वेस्ट चले गए। तो ये था उनका ओनरशिप रिव्यू सर्विसिंग के बारे में और चार्जिंग के बारे में। बाकी इस जो स्कूटर है उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी रेंज भी कम नहीं हुई, इसकी पावर भी कम नहीं हुई। बाकी ये एक नंबर स्कूटर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लेकिन जो कस्टमर्स को सर्विस मिल रही है उस सर्विस में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कस्टमर्स को जो सर्विस मिली उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा निचले लेवल की सर्विस मिली है। वहाँ पर उनको 7 दिन तक गाड़ी रखनी पड़ी, उसके बाद भी उनको कोई अच्छी फीडबैक नहीं मिला और जो सर्विस सेंटर वाले थे वो भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, वो कस्टमर मुझे बता रहे थे। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बजाज वालों ने देखना चाहिए। और जो चार्जिंग स्टेशन के साथ हुआ उनके साथ कस्टमर के साथ वो भी बहुत गलत हुआ है, वो भी उन्होंने ठीक करना चाहिए, क्योंकि पैसे पेड करते हैं, कोई फ्री में वो चार्ज नहीं करने वाले थे। तो दोस्तों ये था उनका ओनरशिप रिव्यू। बाकी स्कूटर बाकी एक नंबर है, आपको अगर ख़रीदनी है तो आप ख़रीद सकते हैं, सिर्फ आपको देखना होगा कि सर्विस आपके एरिया में आपको अच्छी मिलती है या नहीं मिलती। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो और देखने के लिए।